मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल फैल गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक जन सुनवाई के दौरान प्रशासन को अवैध कॉलोनियों की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है, लेकिन कॉलोनियां विकसित करने के बाद ज्यादातर कॉलोनाइजर अपने वादों को भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आजाद नगर इलाके का है। यहाँ के रहवासियों की शिकायत पर तहसीलदार रामलाल पगारे आजाद नगर पहुंचे। बता दें कि यहाँ उन्होंने कॉलोनाइजर के करीबी लोगों से भी कहा कि यहाँ की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, वरना FIR दर्ज कराऊंगा। दरअसल आजाद नगर के रहवासियों ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि यहाँ अलग अलग नामों से कुछ कॉलोनियां विकसित की गई है, लेकिन कॉलोनाइजर ने आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं बारिश के दिनों में आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्लाट बेचते समय सड़क, नाली, बिजली और अन्य सुविधाओं का प्रावधान करने का वादा भी किया गया था। कॉलोनाइजर है, उनको मैंने बता दिया है, उनके द्वारा 15 दिन का समय लिया गया है। 15 दिन में वो जो भी यहाँ के कॉलोनी वासियों की जो भी समस्या है उनका निराकरण करने का वो प्रयास करेंगे और उनका निराकरण भी कर देंगे। और अगर वो 15 दिन में नहीं निराकरण करते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध, जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन दोनों द्वारा यहाँ पर जो मेन कॉलोनाइजर है उनके द्वारा बताया गया है कि मैं सबसे चर्चा कर लूँगा और मैं उनका जो भी नियमानुसार निराकरण कर सकते हैं करेंगे।